ऑर्डर इशू हुआ था तो कलेक्टर साहब ने चाबी प्रोड्यूस किया, वो चाबी को सील ओपन करके दो चाबी मिला, उसमें दो चाबी लगाए ताला से तो ताला को कोई चाबी फिट नहीं हुआ। पहले हमको SOP आ गया था, गवर्नमेंट का परमिशन आ गया था, हम लोग ने ताला को तोड़ने वाला पहले से मुहैया कराया था, वो ताला को तोड़ा, तीन ताला था, एक सील में था, दो नॉन सील था, अनसील था, उसको तीन ताला को खोले, अंदर गए, लाइट का बंदोबस्त किया, मुआयना किया, आज ज़्यादा टाइम नहीं हो सका। मंदिर का जो 8-10 सज्जन गए थे, 7-8 सज्जन गए थे, वो सब हैवीली बिजी है। आज रात को नवमी जो पूजा है भगवान का, कल बाहुड़ा है, बाहुड़ा के बाद सुनाबेस है, इसलिए मंदिर के जो ऑफिसर गण गए थे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और बाकी सब जो गए थे, वो क्योंकि बिजी रहेंगे 4 दिन, इसलिए हम लोग निर्णय किया कि अभी अंदर जो है भीतर भंडार का सामान ऐसे ही रहेगा। हमने नया ताला डाल के सील करके फिर चाबी हम लोगों ने सब ट्रेजरी को भेज दिया कलेक्टर के जरिए। आप कब ओपन होगा? अभी देखिए, अभी 4 दिन तो सब बिजी रहेंगे, 4 दिन के बाद हम तय करेंगे, बहुत जल्दी हम फिर तारीख करके फिर हम जाएंगे उसको खोलेंगे। आप अंदर पहुंचे थे, अंदर की स्थितियां कैसी हैं? अंदर का स्थिति पूरा सामान्य है, पूरा सामान्य है। बक्सा कुछ है, कुछ सिंदूक है, कुछ आलमीरा है, वो जो हाल में है वीडियोग्राफी हुआ है, अंदर हम देखे नहीं, देखने का आज टाइम ही नहीं था, इसलिए वो जैसे पोजीशन में है उसको फिर रीलॉक कर दिया। जब आप अंदर गए कितने बक्से, कितने संदूक, वो थे? देखिए हम लोग शायद ख्याल, इतना तो बड़ा रूम है, फिर भी हमको जो नज़र में आया शायद 5 अलमीरा है, इंक्लूडिंग 1 गोदरेज अलमीरा एंड 2 सिंदूक, बाकी इसके बाद भी कुछ बक्सा सब नीचे पड़ा है, उसको काउंट नहीं हो सका क्योंकि अंदर का माहौल ठीक है देखने का, लेकिन टाइम हमारे पास इतना नहीं था। डिजिटाइजेशन 2 से डिजिटाइजेशन संपूर्ण कार्यक्रम का डिजिटाइजेशन हुआ है। अंडरग्राउंड सुनिए, अलमीरा सब कवर होके दीवार को है, हम अलमीरा तो हटाए नहीं, अंडरग्राउंड देखने का सब चांस ही नहीं। नया ताला, एब्सोल्युटली न्यू लॉक, अंदर 2 गेट थे, दो अगर हम रिपेयर की बात, लॉक डोर एक है, उसके बाद एक ही डोर था, नहीं लॉक डोर एक ही है, एक ही भंडार के कच को रिपेयर की बात करें तो क्या आपने देखा? नहीं, हम लोग जो देखे वो रिपेयर नेसेसिटी है, वो तो अभी ASI वाले करेंगे, लेकिन वो हमारा शिफ्टिंग के बाद ही संभव होगा। सर, काउंटी को लिस्टिंग में लगभग कितना वक्त लग जाएगा? देखिए अभी तो ये तो हमको लग गया 3 घंटा लगभग बाहर भंडार का, तो भीतर भंडार का खुला नहीं गया है, अभी उसका टाइम के बारे में बोल नहीं सकेंगे, खोलने का बाद ही जो नहीं जो बाहर भंडार है उसकी काउंटिंग और लिस्टिंग हो चुकी है। नहीं, काउंटिंग लिस्टिंग अभी नहीं है, आप लोग गलत फहमी में मत रहिए, ये 4th सब्जेक्ट है, 4th सब्जेक्ट के लिए कुछ चीज़ हमको मुहैया करना है गवर्नमेंट की तरफ से, एक्सपोर्ट्स मशीन्स मैन मशीनरीज वो सब तो गवर्नमेंट अभी बिजी है रथ यात्रा में, बावड़ा यात्रा में, उसके बाद गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेगा, अपना चयन करेगा किनको लेगा, वहाँ एक्सपर्ट भी होना चाहिए, 50 साल के बाद ये सब हो रहा है, इसलिए उसको सिलेक्शन भी ठीक से होना चाहिए, हम लोग को सरकार को सही समय भी देना चाहिए, उसमें जल्दबाजी कुछ नहीं। अब तो खुल गया, जो था एक अविश्वास सृष्टि हुआ था कि ताला खुलता नहीं है, खुलता नहीं, अभी ताला खुल गया दोनों। जय हिंद। सर, मंदिर अधिनियम 1955 ये कहता है कि हर साल जो रत्न भंडार है उसे ओपन किया जाए, उसकी लिस्टिंग की जाए। नहीं, वो नहीं है, वो वहाँ पे प्रावधान है बाहर भंडार का, भीतर भंडार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।